ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਡੈ ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਲਾਏ ਲੱਫੇ ਲਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਧਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੂਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੂਲ ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਈ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਲਿਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਣ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੋਡ ਲੈ
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕਰਨ ਦਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ
वो दिल्ली आपको सिर्फ 6 घंटे में सड़क से पहुंचा देगा, केवल 6 घंटे से। वंदे भारत ट्रेन हमने चला दी, चिनाब चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल दुनिया का हमने बना दिया, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा है। मजबूर होना पड़ा क्योंकि अब बंदूक से काम नहीं चलेगा, बुलेट से काम नहीं चलेगा, अब पैलेट का जमाना आ गया है, लोकतंत्र का जमाना आ गया, आतंक का दौर खत्म होने का समय आ गया है। उन लोगों को भी आतंक छोड़कर अब लोकतंत्र की ओर आने की जरूरत पड़ गई। ये है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की ताकत। मेरा जम्मू के अपने भाई और बहनों से निवेदन, रिकॉर्ड सीटें जिताकर दो, यहां कोई एक सीट पर कोई कमी ना रहे। कितनी तारीख को वोटिंग है आपकी? 1 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग मशीन पे कितने नंबर पे डॉक्टर साहब का नाम है? जारी हो रहा ना कल, तो जब जारी हो जाएगा कल, तो परसों के बाद आपने फोन करने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको, फोन में जितने नाम नंबर है, किसी दूसरे विधानसभा का भी होगा, तब भी सबको बोले जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के लिए, यहाँ के भाईचारे के उत्थान के लिए सबको बोलिए कमल का बटन दबाना है। केवल कमल को देखिए, जैसे आज उनको मछली की आंख नजर आती थी, वैसे बैलेट बॉक्स पर आपको केवल कमल का फूल नजर आना चाहिए। कमल का बटन दबा दो, जो जो बटन दबाएगा जोरदार तालियों से बजा दो कि आप दबाने वाले हो। सबको फोन पर बोलना है, और अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, कोई भी गली में, कोई भी घर को नहीं छोड़ना है। हर घर पे दस्तक देना। भारतीय जनता पार्टी की लहर जम्मू कश्मीर में बहुत चल रही है, और बिश्नाह के इस कार्यक्रम में स्पष्ट दिखा कि डॉक्टर राजीव कुमार भगत जी बहुत लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार हैं। जनता के बीच में जो इन्होंने नाम कमाया है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के किए गए काम और हमारा जो 25 संकल्प है उसको लेकर जनता में बहुत उत्साह है। 2 LPG सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे, 1500 रुपये महिलाओं को महीने का मिलेगा, 10,000 युवाओं को कोचिंग क्लासेस के मिलेगा, लैपटॉप मिलेंगे, 5 लाख नौकरियां मिलेंगी, IT का हब यहां पर बनेगा, धारा 370 को सदा के लिए समाप्त करके रखेंगे, किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा, और धारा 370 कभी वापस नहीं आएगी, जम्मू कश्मीर का विकास और ज्यादा होगा। सर आप भी जम्मू कश्मीर घूमे हैं, महबूबा कहती थी 370 टूट रहे पर तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, कैसा देखा? ये वही लोग हैं जो लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते थे, आज दूधिया रोशनी में, तिरंगे की रोशनी में लाल चौक जगमगाता है, और देश का कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस के समय तो कांग्रेस के गृह मंत्री की टांगे कांप जाती थी लाल चौक पर आने के लिए, आज वहां पर तिरंगा झंडा लहराता है लाल चौक पर, और देश का कोई भी व्यक्ति लाल चौक पर आ सकता है। कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, गोले बारूद होता था, आज बर्फ के गोलों के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पिकनिक मनाने आते हैं। बिश्नाह की जनता को क्या मैसेज रहेगा अनुराग ठाकुर जी का? मैं इतना ही कहूंगा, बिश्नाह की जनता को डॉक्टर राजीव कुमार भगत जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं।